चलिए सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु पर संधिभाजक होती है हो गया। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर दो वृत्त ना, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, यह आपका उदाहरण है, लेकिन ये आपको परिमेय के तरह कार्य करता है। अगर कहीं इस तरह का प्रश्न मिल जाता है वहां पर हम ऑब्जेक्टिव के तरह मिलता है प्रश्न, तो हम लोग वहां पर ऑब्जेक्टिव तरह मार्क करा के बढ़ जाते हैं, है ना। ये नहीं कि अब उसको हल ही करना है, आपका नियम टाइप के मिल जाएगा, जिस तरह से परिमेय आता है उसी तरह से इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। एक ही केंद्र है, लेकिन कहने का मतलब है इसका कि अगर कोई संकेंद्रीय वृत्त है तो बड़े वृत्त का जीवा जो है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा, तो जीवा किसे कहते हैं, केंद्र से जो हटकर जाती है, जो केंद्र से हटकर जाती है उसे जीवा कहते हैं। तो ये जीवा जो होती है तो बड़े वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, लेकिन स्पर्श करती है तो उसको उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो छोटे वृत्त के लिए हो गई स्पर्श रेखा, लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या हो गई, जीवा हो गई। तो कह रहा है, यही कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है का कि ये जो है रेखा, ये स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित हो रही है, माने जहां पर छोटी वृत्त को स्पर्श कर रही है वहां से यह आधा आधा भाग में बंट रही है। मतलब कि ये जो एपी जो है बीपी के बराबर है, एपी बराबर बीपी, आपको यही सिद्ध करना है, ठीक ना। तो ये जो क्या हो गया, यहाँ रो मान लीजिए, केंद्र को माना जाता है, इसके बाद ये त्रिज्या, इधर से त्रिज्या खींच लीजिए, ठीक है, उधर से हो गया त्रिज्या। हाँ, हम जानते हैं एक और बात कि स्पर्श रेखा को जो त्रिज्या होती है क्या होती है, लंबी होती है, नाबड़ी होती है। चलिए तो आपको क्या करना है, दोनों को पहले सर्वांशम करना है ना। चलिए कीजिए, चित्र उतारिए, दो वृत्त सी
जीवन तथा सेतु है, जीवन तथा सेतु है। हाँ, जब सकेंद्रीय वृद्ध है तो उसका नाम मान लीजिए, नाम ले लीजिए क्या है, ना जीवन तथा सेतु है। जो बड़ी वृद्ध का जीवा, जो बड़ी वृद्ध का जीवा जीवा छोटे वृत्त को, छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। नीचे लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। उतार लीजिए, एपी बराबर यूपी, सिद्ध करना है एपी बराबर यूपी। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, सुन लीजिएगा, जो ओए है और ओबी है, ये क्या है, बड़ी वृत्त के क्या है, ये त्रिज्या है, और ओबी क्या है, छोटी वृत्त का त्रिज्या है ना। बड़े वृत्त के त्रिज्या केंद्र से लेकर पहले तक बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया ना। और रचना लिख लीजिए, बनावट में लिख लीजिए, ठीक है। ओए तथा ओबी, ओए तथा ओबी, ओबी बड़े वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या, त्रिज्या खींचे, लिख लीजिए त्रिज्या खींचे, तथा तथा ओबी, ओबी, ओबी पर छोटे वृत्त का त्रिज्या खींचा, तथा ओबी छोटे वृत्त का त्रिज्या खींचा। अब चलिए यहां से परमाणु से, परमाणु से क्या होगा, देखिए परमाणु से क्या होगा। अब यहां पर आते हैं परमाणु लेकर, नाइन्थ क्लास में हम लोग सर्वांशम के नियम आरएचएस पढ़े हैं, पढ़े ना जी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। जिस यदि जो दो त्रिभुज को सर्वांशम करते हैं और दोनों त्रिभुज में एगो कोण, एगो 90 डिग्री, एगो कोई भुजा बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग आरएचएस के नियम से सर्वांशम करते हैं, है ना। नहीं तो जैसे त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में, एओपी और त्रिभुज बीओपी में दोनों में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ओए बराबर ओपी, ओबी ओए बराबर कहां से, त्रिज्या से, किसी भी वृत्त के त्रिज्या कहीं पर लिखी जाए कहां रहती है, बराबर रहती है, पता है ना। तो वो भी ओए जो है और वो भी दोनों क्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है, तो बराबर हो गए करेगा। इधर से आ जाइए, कोण पी बराबर कोण पी, दोनों में 90-90 है ना, 90 डिग्री से। इसके बाद ओपी बराबर ओपी, ये कहां से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से, मतलब कि जो ओपी जो है दोनों त्रिभुज में पड़ रहा है, इधर भी और उधर भी, ठीक ना। तब देखिए ये त्रिभुज जो है समकोण है, ये भी समकोण है, दोनों त्रिभुज क्या है, संपूर्ण है, तो एक वो त्रिभुज नहीं, वो पी ओए क्या है, कोण है, आई ओए ओपी लंब है, आई पी आधार है, कोण लंब आधार, इसमें भी कोण लंब आधार, तो हम कोण के बराबर में कोण दिखाएं, जो कि त्रिज्या के नाम से जाने जाते हैं, एक बराबर 90 डिग्री से 90 डिग्री, उधर 90 इधर 90, इसके बाद ओपी जो है दोनों में है, उधर भी इधर भी दोनों बराबर है। तो इस तरह से
कोण और 90 डिग्री के कोण आयो को भूल जा, जब दिखा देते हैं तो दोनों चीज मिटा हो जाएंगे। यूपी सर्वांग सब त्रिभुज पीओ किस रूप से आर एच एस से, इसका कोई फूल फॉर्म मुझे नहीं बताइएगा कि राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पर राइट एंगल यानी सम कोण 90 डिग्री तो दिखा है, हाइपोटेनियस कोण आईएस माने साइड कोई भूल जा, लंब और घायल में कोई भूल जा, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद जब सर्वांग सब हो जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समांतर हो जाते हैं तो उनके संगत भाग क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, यानी एपी के बराबर में बीपी, एपी बराबर कौन नियम से सीपी सीटी से हो गया ना नियम। चलिए उतार लीजिए, ठीक है।